नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ सोनिया। इस समय तस्वीरें दिखा रही हूँ इंदरपुरी मोहल्ला की, जहाँ पर एक पारिवारिक मामला सामने आया है। जबकि लड़की वालों का कहना है कि लड़का परिवार की तरफ से उनके साथ मार कुटाई की गई है। लड़की को काफ़ी बुरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद उसको एडमिट करवाना पड़ा सिविल हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद उसकी MLR भी कटी है। वहीं दूसरे पक्ष की बात करें, उनका भी यही कहना है कि लड़की को हम तलाक नहीं देना चाहते, बहू को बसाना है। सास पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, दहेज मांगने की बात की जा रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी की जा रही है। पर कहीं ना कहीं सच क्या है दोनों तरफ से सामने नहीं आ रहा। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जो लड़की परिवार है उसके द्वारा आज कंप्लेंट भी की गई है। हालांकि सारी कार्रवाई आगे पुलिस की है कि किस तरह से इस चीज़ को सारी जांच की जाएगी और क्या आगे की रूपरेखा पुलिस की रहेगी। लेकिन आज का अपडेट आपको बता दूं कि लड़की द्वारा अपने ससुराल पक्ष पर मार कुटाई के आरोप किए जा रहे हैं। और वहीं कहना है लड़की का कि जो सास है वो दो दिन पहले घर पर आती है, लड़की की चूड़ियाँ तोड़ती है उसके ही मायका परिवार के अंदर, और उसको मार कुटाई भी करती है, जिसके बाद उसका जो बड़ा बेटा है उसको भी अपने साथ ले जाया जाता है। तो लड़की की ये भी डिमांड है कि जो बेटा है वो उसको वापस चाहिए, और वो इस समय तलाक की डिमांड कर रही है। वहीं लड़का पक्ष से जानने की कोशिश की तो लड़के का कहना है कि मैं परिवार बसाना चाहता हूँ। और उनका क्या कहना है, इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि उन्हीं के घर के आगे खड़े हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उनसे भी बातचीत करते हैं। और उनका वैसे फिलहाल ये कहना है कि वो परिवार बसाना चाहते हैं और इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं है कि मार कुटाई की गई हो लड़की के साथ। वहीं परिवार, लड़की परिवार का ये कहना है कि लड़के द्वारा खुद को चोट पहुंचाई जा रही है और नशे का आदि है। सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हालांकि जो भी इस मामले को लेकर के अपडेट है आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। उसी के साथ दोनों परिवारों का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। गीता कुछ नहीं, बस जे थोड़ी चीज़ डुल जाती तो रौला तेरे पेक्या तो आया, या कुछ हो जाता सी तेरे पेक्या तो आया, बस पेक्या फिर कल सा वो कुछ नहीं। मैं पानी कौन आया सी उदो मेरी सास, मैं पीने वाले पानी नाल बांडे बुंडे मांजते, उस गल तो मेरी सास ने मैंने मारा कि पीने वाले पानी नाल बांडे क्यों मांजे, फिर मेरा गला फाड़ लिया मेरी सास ने कि तेनू मारना है, फिर इन्होंने मैनू मारा, सो चप्पल मारिया मूँह ते मेरे कान ते ही बजी है। किदन दी गल है कि परसों चौथ की कोई डिमांड कर देने? हाँ, कहंदे ने दहेज नहीं दिता तेरे प्यो तो लैके कुछ भी सस काल ते घर वाला कुटदा है या सस भी कुटदी है? सस कुटदी है, घर वाला कुटदा है। उन्होंने तो सपोर्ट देंदी, उन्होंने घर वाला की कम करदा? मशीना का करता है। कोई नशे नुशे दे भी आदी है? नशे करता है, गांजा पींदा, दारू पींदा, सिगरेट पींदा, बीड़ी पींदा। कितना टाइम हो चुका है ब्याह नूं, बच्चे वगैरह? 4 साल हो गए ब्याह। काम वास्ते हुंदा, काम सारा दिन करनी है, काम नहीं करती, कपड़े धोनी है, सब करनी है काम, कहते काम नहीं करती। बस कोई आ जाएगा सब पानी पूनी दे देंगे, कह देंगे पानी नहीं पूछती, रोटी नहीं खवादी, निकी निकी गल तो कलेस होता। मम्मी पापा घर आए कि दिन हो गए? हाँ, मैं हो गए 2 साल हो गए। इतने आए? हाँ, सब कुछ छड़ता सी। मैं कल आई है मेरी ननद की गुड़िया, उन्होंने वो कहती कहती मामे ने चाकू मार रखे ने, मैं क्या फिर मैं की करा चाकू मार रखता, तो फिर मैं कहता मैं कहते मैं तेरे मामे पिछे सारा कुछ छड़ता सी, मैं आपदी बहन भी आपदे भरा भी आपदे जीजे भी सब छड़ता सी। उस गल तो कुटमार तो बाद इतने आया कि दिन हो गए? 2 दिन ही हो। उस
उसको बाद भी कोई आके कुटमार करके दे थोड़ी नहीं कल आंदे से चूड़िया तोड़ गए मांग पूंछ गए कौन कर गए जी कौन करके गए थे सास कोई गल कीती उन्होंने आके या सीधा ही इस तरह सीधा ही चूड़िया तोड़ गए ते की मांग कर दे हुन तुसी दोबारा उठे जाना चाहंदे हो या किवे कहंदे तलाक कोई कंप्लेंट कीती इस चीज नु लेके नहीं तलाक लेना बस मैनू मेरा मुंडा चाहिए वड्डा मैटर जी स्टार्टिंग शुरू तो चल रहा है जो मैरिज की मैरिज तो अगले दिन असं जो लैन आए हैं मैं क्या बेटी लैन आए पहली बार सत्तों बड़े से लेके जाने कहीं मेरी तो तुम कौन होने जाने वाले तुम कुछ नहीं लगते गए उस तो बाद मेरा भरा बीमार हो गया ये मिलने वास्ते आए उदो इन कुट मार के लैके गए उ पिंड भरावान को थोड़ा जा मैंटल हो गया नशे वगैरह करता से उसकी वजह मैंटल हो गया नशा मुक्ति केंद्र छड़िया उदो एन कुट मार के लैके गए असं उदो गुड़िया बिठा लिया भी असं नहीं भेजते गए उस तो बाद पंचायती तौर उत्ते भेजता जादू टूने सब सिस्टम कर दिया इस जनानी ने साडा घर बिल्कुल खत्म करता शादी तो पहले साडा परिवार बिल्कुल सैट से कोई प्रॉब्लम नहीं सी उस तो बाद मेरे पिता जी की ब्रेन ट्यूमर हो गई माता ने उस टाइम कैंसर है जदों का इन्होंने रिश्ता किया और साडा भी दोनों का आपस के अंडरस्टेंडिंग चल रही है जी उस तो बाद जी परसों मैं आया सीगा परसों आने तो बाद मैं कुदरती बाजार के अंदर सीगा तो मेरा मन कर पाया मैं चलो मैं घर मिल के आवा मैं गुड़िया क्या इतने देखा तो गुड़िया कहती कहती डैडी मैंने इस तरह कुटे फिर मैं इन्हें घर गया घर जाने बाद मैंने इन्हें ये गल की भी तुम गुड़िया ने क्यों कुटिया कुटिया कहें इस तो कुटिया ही नहीं एक थप्पड़ ही मारे मैं भी तो चप्पलों के निशान है कहती पौड़ियों तो उस तो बाद इन्हों की मम्मी को पता लगे कुटिया लैन वास्ते गई उतो और कल मैं पता लगे मैं तो कुदरती मार्केट के अंदर ही आया कुदरती मैं पता लगे कि मतलब कहना बटा दमाद जी ने दसिया भी इस तरह गुड़िया ने हॉस्पिटल लैके गई उस तो बाद हॉस्पिटल जाने तो बाद असं एप्लीकेशन दायर कराई बिल्कुल तंग होकर परेशान होकर हर बार इन ताना मरती तेरे प्यो ने सू दाज की दिता है और खुद मेरे को रिश्ता लैन आई है और कहती तू तो रात को निकलती सी तेरी बेटी को धक्के नाल व्याह है कंप्लेंट भी की गई हाँ जी कंप्लेंट की गई लड़की के कुट्टामारी की गई है इनू मतलब परेशान ज़्यादा किया गया नियाती ज़्यादा परेशान किया गया असी जो कंप्लेंट की तो बिल्कुल दुखी होकर की है मेरे को देने की कोई हैसियत नहीं मैं 100-150 का कारीगर हाँ और करीबन मेरे सारे एरिया मैं जानता करीबन जिन्ना भी अपना 100-200 किलोमीटर का एरिया हर बच्चा बच्चा जाना मैं आपका टाइम पास असं मसा कर रहे हैं जिस तरह भी साढ़े तो होंगे असं इन मंगा कितों पूरी करना हाँ जी बेटी जरूर कहें भी तू लैके कहीं तेरे प्यो ने दिता की है सानू चीज़ा खराब करनी है वेस्ट करनी है समान गिलास डिग पाया तो है कि तेरे प्यो को लैके आई है तेरे प्यो को समान लैके तेरे प्यो को दहेज लैके आ मतलब मेंटली टॉर्चर हाँ जी मेंटली टॉर्चर किया गया लड़की बिल्कुल जी इन्नी सोहना फेस सी यदा और इस टाइम तुम कंडीशन देख लो पुलिस वाले ने तो सानू जी मान लो कल असं गए सिटी थाने के अंदर उन्होंने गल किया अपने नोडल सेल के अंदर एप्लीकेशन देखो 10 नंबर कमरे असं उत्थे एप्लीकेशन देखे आए हैं जी अज देखे आए हैं असी मौके पर तो इन्हों सू जो साडे बच्चे नाल ज्यादती की गई उसका सानू चाहिए मतलब भी रिजल्ट चाहिए भी साडी बच्ची ने इन्ना परेशान क्यों किया गया बेटा भी हाँ बेटा तो रात धक्के लैके मैं को बैठा से लड़ाई झगड़ा नहीं किया इन्होंने बिल्कुल भी राती मुंडा आया जो कुड़ियों को ब्याह है माँ पिछे टुरी आँदी उन्होंने बेटे आवाज मारी कहना बैठ मोटरसाइकिल बिठा के लै गया आपको कुछ नहीं किया अलफ बे तक नहीं किया भी जाना लै जाऊ साढ़े जिम्मे तो ही असं आप ले लेंगे जे बच्ची रखना चाहते बच्चे तो असं बच्चे दोनों रखा यह लड़का अपने मान लो नशे करके आपके ब्लेड वगैरह मारे ने उस इन्हें कह भी जेकर मैं कुछ हो गया तेरे परिवार के उत्ते तेरे पेकों के उपर मैं कार्रवाई करवाऊंगा उन्होंने फसाऊंगा कल नू कुछ करता है तो उन्हें उत्ते साड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं होनी जी सानू परेशान ना किया जाए प्रशासन वालों और उस तो बाद लड़की का जो वड्डा बेटा है उन्होंने कल जबरदस्ती लैके गए वो कहते भी हाँ जी वो कहते जी मतलब कि वड्डे नू असीं रखांगे छोटे नू तुसीं रखो माँ बच्चों बगैर नहीं रहिंदी जी बिल्कुल भी और ब्लेड मार के या नशा करके ब्लेड मार के आपदे आप मतलब नुकसान दे रहा उन्हें कल उन्होंने कुछ होंगे सानू फसाने की कोशिश ना करनी लड़की के हाथा पाई में ये पहले के भी निशान है कोई पहले भी साल झगड़ा हुआ है तब भी इसके माँ बाप आए थे तब भी इसके ये काम किया था ये लड़की के हाथा पाई हमने ये साफ पड़ा इधर क्यों नहीं है हाँ महादेव के ही भक्त हैं पर झूठ नहीं मारते ये पहले भी इसने किया था अब भी ये लड़की नहीं किया मैम आज तक मेरा बेटा तो इतना ये सामने खड़ा है बेटा मेरा कभी उसको हाथ नहीं लगाया और एक बहू है मैंने आज तक उसको कभी मुंह से झिड़क तक नहीं दी जितनी मैंने उसको खुशियां दी इतनी शायद
कोई बहू नहीं दे पाती, मैं खुद इतनी बीमार हूँ, मेरी कभी उसने केयर नहीं करी जितनी मैंने उसकी केयर करी है। कभी तीन अपने मायके नहीं जाती वो, क्यों नहीं जाती वो उसी से पूछो, क्योंकि उसकी मम्मी के थोड़े से रिलेशन गलत है इसलिए वो अपनी मम्मी के पास नहीं जाती थी। उस दिन बेटे से एक झूठ बोल गई तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ इसने बोला है गलत। गलत क्या बोला कि झूठ बोल दिया था उसने मम्मी के सामने। मम्मी ने उसकी ने बोलता भी हाँ झूठ बोला है मेरे साथ, मेरे को इशारा किया है। तो बेटे के सामने ही दोनों अपने खुद के बच्चों की कसम खा दी उसने झूठी, तो उसकी वजह से बेटे ने एक चांटा जरूर लगाया, उसकी मैं कसम नहीं देती। और उसके अलावा बेटे ने कुछ नहीं बोला। और मैंने तो आज तक मेरे को झूठ बोलने की यही थी कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं तीन दिन से दवाई गंगानगर से दवाई चल रही है, मैं दवाई लेके आई थी, तो आते ही ये पीछे से झगड़ा करे हुए थे। और झगड़े की वजह से मैंने इनको आते बोला, बहू ने मेरे को बुलाया नहीं। मैं कहा बेटा क्या बात है आज इतने सुस्त क्यों हो, दोनों ही सुस्त घूम रहे हो, क्या बात है, ना मेरे को चाय ना पानी। मैंने क्या कोई बात नहीं, बच्चे हैं आपस में मन मुटाव हो गया होगा। तो मैंने पक्ष की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोग उनके घर पे जाकर उससे मारपीट की है लड़की के साथ, और जो बड़ा बेटा है इनका आपका। नहीं नहीं मारपीट नहीं की, मारपीट नहीं की लड़की के साथ कोई भी, कभी घर पे ही अपने घर पे नहीं की, उसके घर पे क्या करूँगी। उसकी मम्मी का ये कहना है कि जब से शादी हुई है इन्होंने मेरे से पहले भी बहुत बार पंचायत हुई है, नहीं तो बावदीन गांव से मैं सरपंच साहब को बुला दूँगी, आप उनसे पूछ के देख लीजिए। वो खुद जो लड़की की माँ है उसके बारे में बोलते हैं कि रिलेशन उसके गलत हैं, तो वो आप लड़की को भेजो ही मत। और मैंने कभी भेजा भी नहीं था, मैंने कहा बेटा तेरे घर में कोई कमी है तो तू मेरे को बोल दे, तो अपनी मम्मी के पास चली जा। तो बोलती कि नहीं मम्मी मैंने नहीं जाना। एक पारिवारिक बात हो गई कि उनके माता पिता की, पर बहू और बेटे की एक अलग से बहस होती है जिसको लेकर के विवाद ज्यादा बढ़ता है। बहू द्वारा ये भी कहा जाता है कि दहेज के लिए परेशान किया जाता है, या बोला जाता है कि तू कुछ भी नहीं लेके आई, इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। और उनका कहना है कि परसों आप दोनों वहाँ उनके घर गए, उसकी चूड़ियाँ तोड़ी है, मांग जो भरी हुई थी उसको मिटाया है, और बड़ा बेटा है उनका, मांग जो बड़ा बेटा है उसको साथ लेके आ गए। नहीं नहीं गली में आपने पकड़वाया, मेरी वाइफ ने खुद बोला है, मैं क्या हूँ, मैंने कहा फरान इधर आ, उसने खुद पौड़ियों से नीचे उतारा, वो भाग के मेरे पास आया इधर से, बल्कि बाइक जा रही है, बाइक के नीचे आ जाता वो। हाँ। वो आस पड़ोस वाले सब बैठे हुए थे, अब तो वो उनके पड़ोसी हैं तो वो उन्हीं के बोलेंगे। आज से एक साल पहले ये सब मेरे भाई को पता है, एक साल पहले ये सतनाम चौक है ना, वहाँ चौकी है जो, इन्होंने दरखास्त की थी कि आज तो तुम बिठा रहे हो, जब मेरे घर पे आएगी ना मेरी बेटी तो मैं उजाड़ डिवोर्स ही करवाऊंगी, सीधा बसाऊंगी नहीं। इसी डिवोर्स की वजह से आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा कभी मैटर नहीं हुआ, अभी जैसे आपके बेटे बता रहे हैं कि पहले भी पंचायत हो चुकी है, आपने भी अभी बताया कि पहले भी पंचायत हो चुकी है, मतलब शुरू से ही ये विवाद चला है। 22 दिन बाद इन्होंने ये झगड़ा शुरू कर दिया था, और मेरे से लाख रुपए की मांग की थी इसके पापा ने। ये इसका यानी कि इसका धंधा है, बड़ी इनकी बेटी मेरे जेठ के घर में शादी करी हुई है, उनसे लाख रुपया ले चुके हैं मेरे जेठ एक्सपायर, उनका डिवोर्स करवा के फिर वो फतेहाबाद गांव में बिठा दी, वहाँ से उन्होंने 30,000 रुपये ले लिए, फिर इन्होंने वहाँ उनसे 30,000 रुपये लेके फिर वहाँ से डिवोर्स करवा के फिर मेरे जान जेठ के पहले भी शादी करी हुई थी वहीं से 30,000 रुपये लेके उनको दे के फिर वापस वहीं बिठा दिया। इनका ये पेशा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपके परिवार की तरफ से या आपके आपके बेटे की तरफ से तलाक की डिमांड की जा रही है। नहीं जी नहीं, मेरी बिल्कुल डिमांड नहीं है। मैं घर लेने के लिए गई थी, उनका दामाद खड़ा है, इनसे पूछिए थोड़ा भी, मैं इनके आगे हाथ जोड़ के बेनती करके भी मैं पल्लवी बिना जी नहीं सकती, मैं अपनी बहू के बिना, भाई मैं मेरा तू ही है, तू मैं इनके साथ में लेने गई थी अभी, तो उन्होंने मेरे को गंदी गाली निकाली, आप भी सामने थे, मैं इनके साथ लेने गई थी, मैंने कहा मेरा बेटा उनसे माफी मांग लेगा। हमारे सामने की बात यह है मैम, आप भी काफी कुछ बोले हमारे सामने वहाँ, उन्होंने कह सकते कि हमारे सामने उन्होंने ही गाली दी, आप भी काफी कुछ बोल के आए। वो इसलिए बोले कि उन्होंने गलत बोला मेरे को, तो इसीलिए मैं बोल दी गलत। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह सकती हूँ, भगवान करे मेरा बच्चा फेरी का काम करता है, यही ना नसीब हो इसकी सड़क पे जाती एक्सीडेंट हो जाए और ये वहीं खत्म हो जाए, इसने कोई चोट नहीं दी उसको, इससे बड़ी कोई कसम नहीं है। और अभी कोई ब्लेड वगैरह मारने की बात सामने आ रही है, चाकू मारा है ये ना, हंसी मजाक कर रहे थे। नहीं मैं बता रहा हूँ, रोड़ा हुआ था ना, ये चाकू मारने लगी, मैंने कहा चाकू मत मार, ये एकदम चढ़ाने लगी, मैंने हाथ आगे कर दिया, ये दूसरी बार चाकू मार रहे थे, अपने मार रही थी लड़की। हाँ नहीं नहीं तो ऊपर दिखा देता हूँ, चाकू टेढ़ा हुआ पड़ा,
अभी रखा है, खुद के मारने लगी इसने जैसे पकड़े इसके आगे। मैं बसाना चाहता हूँ, बसाना चाहते हैं या तलाक लेना चाहते हैं? नहीं बसाना चाहता हूँ। ये तलाक का इसके पापा स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पापा का यही धंधा है कि भी, क्योंकि इसकी मां नहीं बचने देती जी, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। और आप 16-17 साल, एक चीज और कि उनकी और भी 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं, बाकी भी बस रही हैं, सिर्फ नहीं बस रही जी, एक इनकी बस रही है, वो ये पाबंद है, इनकी बस रही है। बड़ी वाली की 3 बार शादी हो चुकी है, पैसे खाए फिर चले गए, पैसे खाए फिर चले गए। नहीं तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी बता दिखा देती हूँ। लड़के पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि नशा करना का आदि है। नहीं जी, सामने सामने खड़ा हूँ, अब भी काम करके, अभी बैग यहीं पड़ा है इसका, अब भी काम करके आया, खाना भी नहीं खाया।